नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्नोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे पांच ऐसी भविष्यवाणी के बारे में जो वृश्चिक राशि पर 100% सत्य साबित होने वाली है। जो हम आपको समय बताएंगे जून से लेकर दिसंबर के बीच का, उस समय पर उस ग्रह से संबंधित यदि कोई भी आप काम करते हैं तो सफलता आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर वन की, जो भविष्यवाणी है वो सूर्य से संबंधित है। सूर्य 17 अगस्त से सिंह राशि में गोचर करेंगे 17 सितंबर तक। आपके दशम भाव में वृश्चिक राशि के अनुसार से, वृश्चिक राशि की कुंडली के हिसाब से सूर्य आपके दशम भाव में गोचर करने वाले हैं 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक। ये जो समय रहेगा ये आपको बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि कैरियर के मालिक कैरियर के भाव में ही गोचर करने वाले हैं। जो भी आप काम करते हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे होंगे, चाहे आप व्यापार कर रहे होंगे, चाहे छोटा मोटा कोई भी व्यवसाय कर रहे होंगे, तो इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ देने का काम सूर्य करने वाले हैं। और यदि आप कैरियर से संबंधित कोई भी काम करना चाहते हैं, अभी तक आपको कोई सफलता नहीं मिल रही थी, और यदि आप प्रयासरत हैं तो इस समय पर अप्लाई जरूर कीजिए। 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर के बीच में जबरदस्त सफलता देखने को मिलेगी। चाहे आप व्यापार प्रारंभ करें, चाहे आप नौकरी के लिए अप्लाई करें, दोनों ही क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि कैरियर के मालिक है सूर्य और कैरियर के भाव में ही गोचर कर रहे हैं स्वयं के घर में। और स्वयं के घर में जब भी कोई भी ग्रह गोचर करता है तो स्वाभाविक है कि वो अपने घर को क्यों खराब करेगा, अपने घर को तो लाभ पहुंचाने का ही प्रयास करेगा। इसलिए सूर्य आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करने वाले हैं। साथ ही साथ दशम भाव में बैठ करके चौथे भाव में दृष्टि होने के कारण, सप्तम दृष्टि होने के कारण भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन के भी योग बनने वाले हैं, तो ये लाभ आप ले सकते हो। दूसरे नंबर की जो भविष्यवाणी है वो मंगल से संबंधित है। मंगल 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में आपकी ही राशि में गोचर करने वाले हैं लगन भाव में। इससे बढ़िया समय कोई भी नहीं होगा, क्योंकि जब राशि अधिपति, राशि का स्वामी अपने राशि भाव में, अपने घर में गोचर करे तो जबरदस्त लाभ देने का काम करता है। अब मंगल जो है आपकी राशि में ही गोचर करने वाले हैं, इसका ध्यान रखना है आपको कि 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक मंगल आपकी राशि में गोचर करेंगे लगन भाव में। लगन का जो भाव होता है, यहां से हम स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं। अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, और कोई भी प्लानिंग यदि आप करोगे तो उसमें जो है आपको सफलता भी मिलेगी, चाहे नौकरी से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, चाहे कोई भी काम यदि आप करना चाहते हैं तो सफलता आपको जरूर देखने को मिलेगी। वही मंगल आपके छठे भाव के भी मालिक हैं, तो छठे भाव से संबंधित भी फल देने का काम करेंगे, रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कर्जे को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, और कोर्ट केस यदि आपके ऊपर चल रहा है तो आपके पक्ष में फैसला भी होने की संभावनाएं हैं, यदि मंगल आपका अच्छा है तो ये संभावनाएं बनती हैं। तो इस समय का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इस समय पर आप नौकरी भी चेंज कर सकते हो, या आप ट्रांसफर भी करवा सकते हो, या व्यापार यदि करना चाहते हो तो व्यापार भी आप कर सकते हो। इसके बाद यदि हम तीसरी भविष्यवाणी के बारे में बात करें जो कि बुध से संबंधित है, और बुध जो है 24 जून से 8 जुलाई तक मिथुन राशि में अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं, तो ये भी आपको समय विशेष रूप से ध्यान देना है। बुध आपके लाभ के मालिक हैं और अष्टम भाव के मालिक हैं, अष्टम भाव में ही गोचर करने वाले हैं स्वयं के घर में। इस कारण से यहाँ पर जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। अष्टम भाव जो होता ही होता है गुप्त धन का, गुप्त धन कम मेहनत में ज्यादा लाभ देने का काम करता है अष्टम भाव।
जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, LIC, इन सभी क्षेत्रों से बड़ा लाभ आपको हो सकता है। इन सभी क्षेत्रों से आपको जो है लाभ होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि लाभ के मालिक भी बुद्ध हैं, तो लाभ देने का ही काम करेंगे। अब बुद्ध अष्टम भाव में बैठ करके धन भाव को देखेंगे, तो धन देने का काम करेंगे, धन का स्रोत पैदा करने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे, और आप व्यापार से यदि जुड़े हुए हैं तो व्यापार में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो ये समय भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है बुध का। चौथी भविष्यवाणी के बारे में यदि हम बात करें, जो कि शुक्र से संबंधित है, और शुक्र जो है ये भौतिक सुखों का कारक ग्रह माना जाता है। भौतिक सुख, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, लग्जरीज वाहन, ये सभी क्षेत्रों का कारक ग्रह, सुख का कारक ग्रह माना जाता है शुक्र। शुक्र जो है 30 नवंबर से 25 दिसंबर तक ये तुला राशि में गोचर करने वाले हैं 12वें भाव में, और 12वां भाव जो है शुक्र के लिए अच्छा माना जाता है। यहां पर खर्चे तो करवाते हैं, लेकिन लग्जरीस लाइफ भी देने का काम करते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, और विदेश से जुड़े हुए यदि आप कोई काम करना चाहते हैं, या नौकरी करना चाहते हैं, या व्यापार करना चाहते हैं, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। वही रोगों को दूर करने का काम, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम, और शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, क्योंकि सप्तम दृष्टि शुक्र की आपके छठे भाव पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं शत्रुओं को परेशान करने का काम भी शुक्र करेंगे, और कई सारे क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि स्वयं की राशि में ये गोचर कर रहे हैं। वही सप्तम भाव के मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में भी जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, और दैनिक आय में भी वृद्धि करने का काम शुक्र करने वाले हैं। तो शुक्र की स्थिति जो है बहुत अच्छी रहने वाली है, यह आपको ध्यान रखना है 30 नवंबर से 25 दिसंबर तक। इसके बाद यदि हम बात करें शनि के बारे में, जो कि सस नामक राजयोग बना रहे हैं, मंगल रुचक नामक राजयोग बनाएंगे 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक, और भूमि वन प्रॉपर्टी में भी जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, वही जो है गुप्त धन भी देने का काम करेंगे, और इधर जो है शनि भी सस नामक राजयोग बना रहे हैं, तो शनि आपको जून से लेकर के दिसंबर तक जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। वैसे तो देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों की ढैया भी चल रही है, लेकिन ये ढैया आपके लिए शुभ है, क्योंकि शनि जब राजयोग में गोचर कर रहे हैं, स्वयं की राशि, मूल त्रिकोण की राशि, कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। यश मान सम्मान तो देंगे ही देंगे, धन भी देंगे और ख्याति भी देंगे, साथ ही साथ जो है कैरियर को भी मजबूत करने का काम करेंगे। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, सभी क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम शनि करने वाले हैं। तो शनि के लिए जून से लेकर के दिसंबर तक का जो महीना है ये आपके फेवर में रहेगा। हालांकि बीच में वक्री हो जाएंगे, तो थोड़ा सा समय आपको ध्यान रखना है। वैसे विशेष रूप से ज्यादा जो है नुकसान देखने को यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाले। वही गुरु की यदि बात करें, तो गुरु 30 अक्टूबर के बाद जो है आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा, और राहु भी 30 अक्टूबर 2023 से दिसंबर तक जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। आप जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से जुड़ करके भी लाभ कमा सकते हैं, स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा कि आपकी जन्म पत्रिका में बुध की स्थिति, गुरु की स्थिति और राहु की स्थिति कैसी है। यदि ये आपकी जन्म पत्रिका में अच्छे हैं, तो जबरदस्त लाभ राहु आपको देने वाले हैं, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और केतु लाभ भाव में गोचर करेंगे, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे 30 अक्टूबर से दिसंबर तक। तो ये पांच भविष्यवाणियां थी जो हमने आपको समय बताया है, उस समय पर उस ग्रह से संबंधित यदि कोई भी काम करते हैं तो सफलताएं आपको जरूर देखने को मिल सकती है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं, और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893।